भाजपा की प्रतिष्ठित गोरखपुर सीट से बुरी खबर। भोजपुरी स्टार रवि किशन की बढ़ सकती है मुश्किलें। नामांकन पत्र में शैक्षणिक योग्यता पर शिकायत दर्ज। 2014 और 2019 के हलफनामे में अलग अलग जानकारी। नामांकन में जानकारी को लेकर एक और प्रत्याशी पर मुश्किलों के बादल मंडराने लगे हैं। इस बार नाम भी बड़ा है और सीट भी। नाम है भोजपुर स्टार रवि किशन का और सीट है गोरखपुर, जहां से भाजपा की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। यहां से उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, उनकी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर। मामला 12वीं और ग्रेजुएशन का है। अभी हाल ही में वाराणसी से तेज बहादुर का नामांकन भी जानकारियों के अभाव में निरस्त हो गया था। तो अब गोरखपुर के संतोष कुमार यादव ने चुनाव अधिकारी के सामने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि रवि किशन ने 2014 में अपनी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन दिखाई थी, लेकिन इस बार उन्होंने इंटरमीडिएट लिखा है। शिकायत में लिखा गया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर से पर्चा भरते समय रवि किशन ने खुद को 1992-93 में रिजवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुंबई से बीकॉम पास दिखाया था, लेकिन 2019 के हलफनामे में भोजपुर स्टार रवि किशन ने शैक्षणिक संस्थान का नाम तो वही रखा है, मगर योग्यता बीकॉम की जगह 12वीं बताई है। 12वीं पास करने का साल 1990 बताया गया है। अब चुनाव आयोग की तरफ से शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन विपक्ष के पास रवि किशन को घेरने का मौका तो आ ही गया है। ये मामला इसलिए भी बड़ा बन सकता है क्योंकि गोरखपुर भाजपा की प्रतिष्ठित सीटों में गिनी जा रही है योगी आदित्यनाथ की वजह से। ये सीट उपचुनाव में भाजपा के हाथ से निकल भी चुकी है। अब ऐसे में रवि किशन के नामांकन को लेकर जो शिकायत दर्ज हुई है, उससे वो थोड़ा ऐसे हस्ते हो ही जाएंगे और शायद उनकी पार्टी भाजपा भी।